तो वेलकम बैक गाइस। तो गाइस कैसा होगा अगर आपके दोस्तों के फोन पे ढेर सारे अलग अलग ब्रांड्स के अनलिमिटेड ओटीपी और टेक्स्ट मैसेजेज आए। सो इस चीज को बोलते हैं एसएमएस बॉम्बिंग, और इसका इस्तेमाल आप अपने दोस्तों के साथ प्रैंक करने के लिए कर सकते हैं। एंड आप इस चीज का इस्तेमाल किसी को हार्म पहुंचाने या इरिटेट करने के लिए ना करें, बस एक छोटा सा प्रैंक करना ही सही रहेगा। और आज जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफी सिंपल एंड इजी टू फॉलो है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप पक्का एसएमएस बॉम्बिंग कर पाएंगे। तो अभी से लाइक कर दो इस वीडियो को, और आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तभी कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना गूगल ऐप या कोई सा भी वेब ब्राउजर ओपन कर लेना है। वहां पर आपको टैप करना है सर्च बार पे। यहां पर आपको सर्च करना है बॉम बीटअप। स्पेलिंग ध्यान से देख लो, आपको सेम टू सेम यही सर्च करना है। ये सर्च करने बाद आपके सामने काफी सारे सर्च रिजल्ट्स आ जाएंगे। यहाँ पर आपको इस फर्स्ट वाले वेबसाइट पे क्लिक करना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और फिर आपके सामने डाउनलोड बॉम बीटअप का एक ऑप्शन आ जाएगा। आपको सिंपली से डाउनलोड बॉम बीटअप पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 5 सेकंड्स का वेट करना है, और फिर डाउनलोड ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके पास कुछ ऐसा पॉपअप आता है तो आपको डाउनलोड एनीवे पे क्लिक कर देना है। अब ये फाइल डाउनलोड हो चुका है तो आपको सिंपली से ओपन पे क्लिक करना है, और फिर इंस्टॉल पे क्लिक करके इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल हो जाने बाद आपको डन पे क्लिक कर देना है। अब ये ऐप मेरे फोन में आ चुका है तो मैं इसे सिंपली से ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर ये कुछ परमिशंस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है ताकि ये ऐप प्रॉपरली वर्क कर पाए। तो आपको सारे परमिशंस के लिए सिंपली से एक एक करके अलाउ कर देना है। तो इस तरह से आपको सारे परमिशंस के लिए अलाउ कर देना है। अब यहाँ पर इन दोनों बॉक्स को सिलेक्ट करके आपको इस ऐप के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेना है। अभी आपके सामने ऐप का मेन इंटरफेस ओपन होके आ चुका है, और आप ऊपर लिखा हुआ देख सकते हैं SMS ब्लास्ट। अब यहाँ फोन नंबर में आपको अपने उस दोस्त का फोन नंबर एंटर करना है जिसके साथ आप ये प्रैंक करना चाहते हो। तो यहाँ पर मेरे पास एक दूसरा फोन है जिसका कि नंबर एंटर करके मैं आपको उस पर लाइव प्रैंक करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं आपको ये प्रैंक करके दिखाऊं, उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो अब यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड या किसी का भी फोन नंबर एंटर करना है। तो मैं यहाँ पर अपने इस फोन का नंबर एंटर कर लेता हूँ। फोन नंबर एंटर करने बाद आपको नीचे अकाउंट का एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको वो नंबर एंटर करना है जितने की आप SMS सेंड करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाने के लिए 30 एंटर कर लेता हूँ। आप चाहो तो कितना भी एंटर कर सकते हो। अब आपको क्लिक करना है डिले पे। यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है कि दो मैसेज के बीच में कितना गैप होगा। तो यहाँ पर 2.5 सेकंड पहले से रहता है, पर मैं यहाँ पे इसको सुपर फास्ट कर लेता हूँ जो कि 1.5 सेकंड है, ताकि मैसेज जल्दी जल्दी जाएगा। ये करने बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अब आपको नीचे बॉम्बिट पे क्लिक करना है, और बस यहाँ पर कुछ सेकंड्स वेट करने बाद SMS बॉम्बिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैसेज सेंड होना स्टार्ट हो चुका है, और मेरे दूसरे फोन पे काफी सारे मैसेजेस भी आना स्टार्ट हो चुका है। ये सब इतना फास्ट हो रहा है क्योंकि मैंने पहले ही सुपर फास्ट सेलेक्ट किया था, और आप देख सकते हैं कि कितने सारे मैसेजेस एक के बाद एक आते ही जा रहे हैं। मैंने अकाउंट में 30 एंटर किया था, तो जब तक 30 कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक ऐसे ही मैसेजेस जाते रहेंगे, और आप अकाउंट अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों कि 30 मैसेजेस पूरा जा चुका है, और मेरे फोन पे SMS आना भी बंद हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस चीज से कैसे बच सकते हैं। यहाँ पर ऊपर की साइड आपको इस 3 लाइंस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन लिस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना नेम एंटर कर लेना है, और उसके बाद नीचे आपको अपना फोन नंबर डालना है। तो मैं अपना फोन नंबर एंटर कर लेता हूँ। अब आपको प्रोटेक्ट मी पे क्लिक कर देना है, और अब मेरा नंबर प्रोटेक्ट हो चुका है। तो अब देख लेते हैं कि मेरा नंबर प्रोटेक्ट हुआ है कि नहीं। यहाँ पर मैं वापस से अपना नंबर एंटर कर लेता हूँ। काउंट में मैंने 35 सेट कर लिया है, और अब मैं क्लिक करता हूँ बॉम्बिट पे, और अब आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि टैकी रविश इज नॉट प्रोटेक्टेड, मतलब कि कोई भी मेरे नंबर पे प्रैंक करने की कोशिश करेगा तो नहीं कर पाएगा। और इसी तरह से आप भी अपना नंबर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह से बहुत ही आसानी से अपने किसी भी दोस्तों के साथ SMS बॉम्बिंग कर पाएंगे। इससे पहले मैंने WhatsApp बॉम्बिंग और कॉल बॉम्बिंग पे भी अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिए हो तो लाइक का बटन टूट जाना चाहिए, और हाँ सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो गाइस बस इतना ही था आज वाले वीडियो के लिए, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।